अब आप सोच रहे होंगे कि अगर लद्दाख में चीनी सेना इतनी परेशान है तो फिर लौट क्यों नहीं जाती। दरअसल चीन की मंशा थी कि 5-6 महीने भारत को लद्दाख में उलझा कर रखना, अपनी धौंस दिखाना और सर्दी से पहले लद्दाख से निकल जाना। लेकिन पहली बार भारत ने ऐसा स्टैंड लिया जिससे बीजिंग की भारी बेइज्जती हुई है। भारत ने साफ कर दिया है, अब ना तो वो चीनी फौज से डरेगा और ना ही बीजिंग के साथ व्यापार करेगा। अब चीन की शातिर चाल और भारत के क्लियर स्टैंड को एक एक कर तमाम देश समझ भी रहे हैं। जैसे कि चीन के उकसावे में आए नेपाल को अब यह समझ में आ रहा है कि वो बीजिंग के विस्तारवादी चाल में फंस रहा है। ड्रैगन ने नेपाल की 150 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। नेपाल के उत्तर पश्चिमी जिले हुमला में चीनी सेना ने लीमी घाटी और हिल्सा को पार किया और पत्थर के बने पिलर को उखाड़ कर उसे और पीछे नेपाल के अंदर आकर लगा दिया। इसके बाद चीनी सेना अब इस इलाके में सैन्य ठिकाने बना रही है। नेपाल की राजनीति में भी चीन की शातिर चाल की चर्चा होने लगी है और अब भारत के खिलाफ चीन के बदले सुर भी मधुर होने लगे हैं। इस बात की तस्दीक ये तस्वीर कर रही है भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम एम नरवणे को चीनी सेना ने मानद सेना अध्यक्ष की उपाधि दी। गुरुवार को नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने जनरल नरवणे को इस उपाधि से नवाजा, जो बताता है कि दोनों देशों के बीच चल रहे सीमा विवाद और नेपाल सरकार के हाल के महीनों के भारत विरोधी बयानों के बीच दोस्ती और परंपरा का महत्व कायम। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।